हाँ, तो हम देख रहे थे कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। सबसे पहली बात तो वो साइक्लिक तो होना चाहिए, मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है? sp2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ये है, बेंजीन रिंग देखा है आपने? बेंजीन रिंग तो देखे होंगे ना आप सब। बेंजीन रिंग जैसे देखिए, यहाँ पे ये क्या होता है? ये सब जो होता है प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या हो गया? इसमें ईच कार्बन क्या होता है आपका? sp2 का होता है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला, ये और ये, 6 के 6 कार्बन क्या होते हैं आपके? sp2 होते हैं। मैंने आपको बताया है, अगर आपको क्या होता है किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखता है, तो वो दोनों कार्बन क्या होते हैं आपके? sp2 हो जाते हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर से पढ़िए, फिर आपको ये सब और क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका sp2 है, ये कार्बन भी आपका sp2 है। ये तो मैंने दिखाया है, इसमें एक हाइड्रोजन भी होता है, पता है ना? मैं अभी आप बताया, यहाँ पे कार्बन को दिखा रही हूँ, sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लगातार, और दूसरी बात, ये पहली बात तो वो साइक्लिक है, दूसरा कि क्या आपका प्लेनर है, क्योंकि सारे कार्बन क्या आपके sp2 में है। और तीसरी बात, कॉन्जुगेशन में देखिए लगातार रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये पता है ना आपको? ये क्या करेगा? ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कहीं ये पे ये प्रेजेंट हो तो वो रेजोनेंस शो करता है। चौथी बात हम लोगों पढ़ रहे थे कि हकल्स रूल क्या होता है। हकल्स रूल को जो फॉलो करता है भाई, आपका एरोमेटिसिटी शो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा हकल्स रूल होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं हकल जी, बताइए, एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर हम एन की वैल्यू 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, फिर 2, 3 ऐसे रखते जाते हैं, तो जो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 0 की, अगर एन की वैल्यू 0 रखते हैं, एन की वैल्यू अगर हमने क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, यहाँ अगर मान लीजिए एन की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये तो आपका पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2π इलेक्ट्रॉन। अगर एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4+2 कितना आ जाएगा? 6π इलेक्ट्रॉन। अगर एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 2 जा 8 और +2 10π इलेक्ट्रॉन। अगर 3 रखते हैं तो 4 3 जा 12 एंड 2 आपका 14, 14π इलेक्ट्रॉन। मतलब कि 2π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन, 10π इलेक्ट्रॉन एंड 14π इलेक्ट्रॉन। अगर इस तरह के आते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे? वो एरोमेटिक नेचर शो करेंगे। 2, 6, 10, 14 एक बात बताना, हम पाई बॉन्ड को भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये बात याद रखिएगा, 1π बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में कितने जो हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए? एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमने बेंजीन बनाया, बेंजीन में 3π बॉन्ड है, तो बॉन्ड तो आपके 3π बॉन्ड है, लेकिन आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3π बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6π इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर 6π इलेक्ट्रॉन है तो आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, मतलब क्या होगा? वो एरोमेटिक नेचर शो करेगा। तो आप पाई बॉन्ड क्या, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जिनमें क्या है, तीन तीन पाई बॉन्ड है, वो वाले हमारे क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक नेचर शो करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन के बेस पे बता रहे हैं, आप वहां पे यही याद रखिएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा कि एक पाई, अगर कहीं पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड है तो 2π इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3π बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड में 2π इलेक्ट्रॉन, तो 3π बॉन्ड में 6π इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? ये आपका एरोमेटिक नेचर था। सबसे पहली बात, वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, फिर हकल्स रूल को शो करना चाहिए। हकल्स रूल आपका होता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, और पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2, 6, 10 और 14 आते हैं, तो वो आपके एरोमेटिक शो होते हैं, वो आपके एरोमेटिक नेचर के होते हैं। इधर देखिए, अब यहाँ पे ये बता रही हूँ, और भी आसान हो जाएगा आपको याद करना एरोमेटिक प्रॉपर्टी। देखिए, एक आपका एरोमेटिक होता है, दूसरा एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? साइक्लिक होने चाहिए, ये भी प्लेनर में होने चाहिए, कॉन्जुगेशन ये भी शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हकल्स रूल, यहाँ पे ये जो रूल रखता है 4n π इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे हकल्स रूल नहीं लगता। यहाँ पे क्या होता है, 4n π इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से आपको निकालना होगा। अगर एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे 4π इलेक्ट्रॉन आता है, एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 2 जाए 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा,
एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब कि जो 4 का मल्टीपल होगा, 4 8 12 16, 4 का टेबल तो याद है ना, इतना तो पढ़े होगे, इतना तो मैथ पढ़ा होगा तुम लोगों ने बचपन में, 4 का टेबल आता है ना। देखो 24 28 32 36 40, मतलब कि जो हमारा 4 का मल्टीपल है, अगर उतने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे एंटी एरोमेटिक आ जाएंगे। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 4 आ गया या फिर 4 का मल्टीपल आ गया तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होंगे, और जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर वो साइक्लिक में है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, उसके अलावा अगर उसमें 4 का मल्टीपल, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं कैलकुलेट करने पे, 4 का मल्टीपल आ रहा है तो वो आपका एंटी एरोमेटिक होगा। और जो 4 के मल्टीपल के अलावा जो भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो आपका क्या है, वो जो 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी शो करते हुए, ठीक। साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, और वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा, और जो 4 का मल्टीपल होगा वो आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो साइक्लिक, जो इन तीनों में से कोई एक फेल हो जाए, मतलब अगर साइक्लिक है तो प्लेनार्टी को शो नहीं कर रहा है, प्लेनार्टी को शो कर रहा है तो कॉन्जुगेशन को नहीं, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं शो कर रहा है, मतलब कि इन तीनों रूल में से अगर कोई एक भी रूल शो नहीं कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, और हमारा 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब 2 6 10 14, तो वो हमारे एरोमेटिक हो जाएंगे। अगर हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन और 4 का मल्टीपल है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। तो बस इतना याद रखना है कि जो 4 के मल्टीपल हैं वो एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, और जो 4 के मल्टीपल में नहीं आएंगे वो एरोमेटिक हो जाएंगे। और अगर कोई इसमें ऐसा हुआ, साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन, इसी में से कोई एक भी रूल शो नहीं किया, वो हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। मान लो साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है, जैसे मैं बोल दूं, बताओ क्या ये एरोमेटिक है कि नॉन एंटी एरोमेटिक है, आप क्या बताओगे, इसमें क्या कहीं पे भी प्लेनर्टी आपको दिख रही है, ये सब के सब आपके sp3 हैं, प्लेनर्टी तो है ही नहीं। कॉन्जुगेशन, क्या इसमें कहीं आपको डबल बॉन्ड या लोन पेयर या माइनस चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई आपका कॉन्जुगेशन भी नहीं है, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ना तो आपका ये एरोमेटिक में आएगा ना तो आपका एंटी एरोमेटिक में आए, ठीक है। नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, साइक्लिक तो शो किया लेकिन प्लेनार्टी और कॉन्जुगेशन को शो नहीं किया, ठीक है, समझ में आया। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए बेंजीन लेंगे, तो सबसे पहला जो रूल था, आप यहाँ लिखते चलिए रूल, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए कि हमारा साइक्लिक है, दिख रहा है ना, साइक्लिक है, CYCL साइक्लिक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये, मान लीजिए साइक्लिक हो गया, पहला वाला तो रूल हो गया, दूसरा कि क्या ये प्लेनार्टी शो कर रहा है, हाँ इसके सारे प्लेनार्टी का मतलब आप ये चेक करना क्या इसके सारे के सारे कार्बन sp2 में है, हाँ है। फिर आप चेक करना क्या ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन, हाँ ये तीनों शो कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारा अब या तो एरोमेटिक हो सकता है या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा क्योंकि ये तीनों रूल वो शो कर रहा है, स्टार्टिंग का 3 रूल। अब आप देखेंगे कि साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन है, इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल कितने नंबर आप पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। अब आप टोटल जब 3 पाई बॉन्ड है तो आप चेक करिए, 3 पाई बॉन्ड हमने बताया है कि एक अगर पाई बॉन्ड कहीं है, मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब कि 3 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या 6 हमारा 4 के मल्टीपल में आता है, सोचिए सोचिए, 4 का टेबल आता है, 4 2 8, 6 तो बीच में कहीं आया ही नहीं, मतलब कि हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा आया, इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ए का मतलब, यार यार बच्चों कुछ गलत मत समझना, ए का मतलब ए मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक है ठीक है, क्योंकि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यहाँ बताना आप, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आप ये मत कहना मैम यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन में नहीं है कॉन्जुगेशन में। देखिए यहाँ से कॉन्जुगेशन स्टार्ट है इसका, और ये पूरा कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड एक तरफ प्लस, मतलब कि ये वाली कंडीशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन पे प्लस, और ये रेजोनेंस शो करता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे प्लस चार्ज। प्लस चार्ज के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, प्लस चार्ज के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऐसे कहीं लिखा है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और उस कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब कि वो रेजोनेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब के सब आपके क्या है, रेजोनेंस में है, और ये सारे कार्बन आपके क्या है, sp2 ने सब आपके सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस हो गया, प्लस हो गया कार्बोकैटायन, मान लीजिए प्लस चार्ज लग गया तो sp2 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन, पढ़ाया था मैंने। कार्बोकैटायन का भी क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। इधर आइए, अब इधर आइए, तो ये आपका क्या कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस शो कर रहा है, ये इधर भी रेजोनेंस शो कर रहा है। तो पहली बात तो ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक है। प्लेनारिटी की बात करेंगे तो हाँ, ये अगर रेजोनेंस शो कर रहा है, मतलब कि पहली बात तो ये कार्बन लगा हुआ है, कार्बन चार्ज है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, इसका भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, मतलब कि ये प्लेनर भी है। तीसरी बात हम देख लेंगे कि क्या ये कॉन्जुगेशन में है, तो हाँ है, रेजोनेंस यही तो होता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, दिख रही हूँ मैं, सॉरी, ये दिखना चाहिए, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, अगर इस तरह का कहीं स्ट्रक्चर है, मतलब वो रेजोनेंस शो करेगा। जैसे आप यही वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन 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 डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन और प्लस चार्ज है, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन के पास क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये आपका रेजोनेंस शो कर रहा है। समझ में आया, साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जुगेशन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या ये 2 4 का मल्टीपल्स है, नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये वापस ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपका पहला था, दूसरा हो गया, दूसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कहाँ लिखूँ, ठीक है, इधर देखिएगा, इधर देखिए, अच्छा वो तो वही वाला केस हो गया, सॉरी, देखिए हाँ, ये साइक्लिक शो कर रहा है, साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, ये है, फिर ये कॉन्जुगेशन में भी है, तो है, फिर हम लोगों ने देखा था कि इसके पास क्या है, ये इन इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, प्लस के पास नहीं होते हैं, बल्कि माइनस के पास होते हैं, क्योंकि माइनस के पास लोन पेयर होता है, लेकिन प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, खुद ही उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, खुद ही क्या है, बेचारा भिखारी है, पैसे उसके पास, ये मैं गलत लैंग्वेज नहीं यूज करी, बस मैं बताना चाह रही हूँ कि उसके पास क्या, खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, तो उसके पास हम उसका इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपको एकदम साफ साफ पता चल रहा है। सॉरी, यहाँ देखिएगा साइक्लिक है, हाँ है, दिख रहा है ना, प्रॉपर साइक्लिक है ये, ये बस बस बेंजीन रिंग को ही मत आप साइक्लिक समझिएगा, फिर 4 3 कार्बन की रिंग भी क्या होती है, साइक्लिक होती है, हाँ, तो ये साइक्लिक है। दूसरा कि क्या यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे ये प्लेनरिटी शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन और प्लस चार्ज कहीं लगा है, तो वो हमारा क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, सब के सब कार्बन यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे भी सब, बिल्कुल यही वाला केस ये है, ये हमने क्या किया, स्ट्रेट फॉर्म में लिखा है, इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखा है, अगर यहाँ पे सारे कार्बन sp2 है तो यहाँ पे भी है, ठीक है, प्लेनर भी है, और अभी मैंने बताया कि कॉन्जुगेशन में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे प्लस चार्ज,
क्या होता है कॉन्जुगेशन शो, ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप फिर बता लेंगे कि प्लस के पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड के दो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक पाई बॉन्ड के पास दो पाई इलेक्ट्रॉन। क्या टू हमारा टू हमारा फोर का मल्टीपल है? नहीं है। 1 मिनट। प्लेनर है कॉन्जुगेशन में और टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका एरोमेटिक है। अब तक समझ में तो आ गया होगा क्या एरोमेटिक है, इसको बताइए आप लोग खुद, इसको आप खुद बताएं क्या होगा। देखिए आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहली बात यहाँ पे हमारा ये साइक्लिक है, तो हाँ है ये साइक्लिक, ये तो है ना बेटा, साइक्लिक है, हाँ है। दूसरा कि क्या ये प्लेनरिटी शो कर रहा है? हाँ, तो ये प्लेनर भी है। क्यों प्लेनर है? क्योंकि इसके सारे के सारे कार्बन sp2 होंगे। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, ये बिल्कुल इसी का फॉर्म है, ये भी हमारा रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर अगले नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन प्लस है, वो रेजोनेंस शो करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे निगेटिव चार्ज, वो भी क्या करेगा? रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो कर रहा है मतलब कि यहाँ पे भी सारे कार्बन आपके क्या है? sp2 है। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये डबल बॉन्ड के बीच का, तो ये sp2, ये sp2, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो वो भी sp2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन आयन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हो जाएगा। अब इसी को हमने साइक्लिक फॉर्म में लिख लिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, मतलब कि ये भी प्लेनरिटी होगा, मतलब ये भी क्या करेगा? प्लेनर होगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तीनों कार्बन का sp2 होगा। आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है? sp2 होता है। तो यही तीनों चीज मैंने यही लिखा है ना, मतलब कि ये अभी आपका क्या है? टोटली प्लेनर है, क्योंकि सारे कार्बन यहाँ पे sp2 है। तीसरा है आपका कॉन्जुगेशन, तो हमने अभी देखा कि हाँ इस तरह का कोई है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन पर निगेटिव चार्ज, तो वो कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। तो हाँ, ये कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। तो जैसे कि प्लस वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, प्लस जब कहीं लगा था तो हम सिर्फ डबल बॉन्ड का पाई को मतलब डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था उसको कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग जो निगेटिव चार्ज है उसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, तो उस लोन पेयर को हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो तो आपका मतलब एक तो एक पाई बॉन्ड से दो पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, एक पाई बॉन्ड से दो पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, दो पाई इलेक्ट्रॉन वो हो गए, और यहाँ पे कार्बन आयन है मतलब कि वहां पे आपके दो होंगे, तो हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? फोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक आप एक एक पेयर जो है निगेटिव चार्ज से ले लीजिएगा, और एक जो है डबल बॉन्ड से ले लीजिएगा, तो आपका जो डबल बॉन्ड से हो गया, एक डबल बॉन्ड से दो पाई इलेक्ट्रॉन, और एक एक निगेटिव चार्ज से एक पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? फोर इलेक्ट्रॉन। अब बताइए क्या फोर आपका, फोर का मल्टीपल में आता है ना, फोर वन जब फोर, तो हाँ ये आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ बताइए, फिर आपका वही हाल हो गया, फिर यहाँ पे देखिए ये सब कॉन्जुगेशन शो करेगा, इधर से भी ये कार्बन, ये बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये कार्बन शो करेगा, इधर से देखेंगे तो ये भी कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो ये भी आपका पहले वाला साइक्लिक है, दूसरा कि आपका प्लेनर है, तीसरा कॉन्जुगेशन में है, और टोटल नंबर आप पाई इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, दो दो चार दो छः, ठीक है, दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक एक बॉन्ड, अगर आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कहीं, मतलब कि दो पाई इलेक्ट्रॉन है, दिमाग में याद रखिएगा, अगर एक आपको कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है मतलब कि वहां पे दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और एक निगेटिव चार्ज से भी आप दो इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले निगेटिव चार्ज से दो इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गया।
इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कि आपका एरोमेटिक। समझ में आया? ये देखो प्लस वाले के पास क्या होता है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। बट निगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसके क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को हम लोग मतलब निगेटिव चार्ज पे जो लोन पेयर होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आइए अब आपका एक और बचा है उसको भी देख लेते। ये देखिए पहले तो देखिए, हाँ भाई साइक्लिक तो दिख रहा है, दिख रहा ना साइक्लिक, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, थक गई हूँ लिखते लिखते, साइक्लिक साइक्लिक एक ही चीज। दूसरा कि ये प्लेनर है ना। तीसरा आप क्या देखेंगे कि कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, साइक्लिक भी है प्लेनर भी है कॉन्जुगेशन, क्योंकि सारे के सारे जहां पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा हो या फिर कहीं निगेटिव चार्ज हो या कहीं पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, मतलब कि इसमें सारे के सारे कार्बन क्या है sp2 है। हाँ यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, आप ये देख लीजिए अगर कहीं ऐसा होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल कार्बन, ये भी आपका क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। कहीं लिख लो ये, तो अगर ना पता हो कि कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ होता है तो एक बार ये लिख लो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो ये शो करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस है वो शो करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल निगेटिव ये शो करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन लोन पेयर, ये क्या करते हैं आपके सब के सब। देखेंगे ठीक है, ये आपके रेजोनेंस शो करते हैं अगर कहीं इस तरह का फीचर दिख गया तो। देखिए अभी आपके तीनों फीचर्स हो गए, अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड से एकदम दिमाग में याद रखना है कि 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। क्या होता है बच्चों को समझ नहीं आता, मैम लिख क्या रही है, 4 कैसे लिख रही है, 6 कैसे लिख रही है, तो आप याद रखना एक डबल बॉन्ड दिख रहा है मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरे डबल बॉन्ड से 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले जो डबल बॉन्ड है उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब 3 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, एक जो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज के पास जो लोन पेयर है उससे आएंगे, मतलब टोटल कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आया? 3 पाई बॉन्ड है बेटा, 1 पाई बॉन्ड से 2 पाई, 1 पाई बॉन्ड से 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एक आपके निगेटिव चार्ज के पास जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हमारा एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके आज के लिए बस इतना ही। अब देखिए अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, अब बचा हुआ है थोड़ा सा मैं बताऊंगी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जैसे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा मतलब एक लेक्चर और होगा हमारा 40 से 45 मिनट का, जो हमारा इन सब चीज़ों पे बनेगा कि क्या क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लोन पेयर कैसे हम लोग निकालते हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या होते हैं, किस कैसे होता है, आखिर में कैसे एडिशन रिएक्शन हो जाता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 40 मिनट का लेक्चर, उसके बाद GOC हम यहीं पर रोक देंगे। GOC पढ़ाऊँ तो बहुत बड़ा है, एक्चुअल में मैं GOC पढ़ाने लगूँ तो GOC बहुत बड़ा है, 10 से 15 लेक्चर सिर्फ उसी पे बन जाएंगे। 11th में आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, अगर आप कहीं स्कूल में पढ़े होंगे, कोचिंग में पढ़े होंगे, ऑनलाइन पढ़े होंगे, तो 10-15 हैं इस पे, एक एक घंटे के आराम से 15 लेक्चर। मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब 11th से 12th में आ चुके हैं और आपको CUET की तैयारी करानी थी, तो आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत लोग ये भी नहीं पढ़ाते हैं, जो बच्चों को CUET पढ़ाते हैं कि हटाओ सीधे हम चैप्टर्स पे आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं सीधे डायरेक्ट चैप्टर पे आ जाऊंगी तो फिर दिक्कत है, नहीं पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ पाओ, तो हम चैप्टर्स पे चलेंगे, मतलब कल के बाद जो हमारा आज के बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो आखिरी लेक्चर होगा GOC का, फिर हम डायरेक्ट चैप्टर पे चलेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एल्के हेलो एरेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने ये जो आप
वो जो एनर्जी लगाई है अपनी जीओसी पढ़ाने में, आप उसको वेस्ट मत करना। पहले आप जीओसी पढ़ के आना, जब जीओसी कवर कर लोगे तो आपको वहाँ पे जो चीज़ें होंगी ना बड़े अच्छे से समझ में आएंगी कि हाँ यार यहाँ पे 3 डिग्री हेलो को हेलो एल्केन दिया हुआ है, 2 डिग्री का हेलो एलेंस दिया हुआ है, एलिलिक बता रहा है, विनाइलिक बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी अगर आपकी जीओसी, एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ाया उतना तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम सब मिलते हैं आपसे अब अगले लेक्चर में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए और अपने ड्रीम कॉलेज के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय।